फ्रेंड्स, मैं आपको भिंडी मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो भिंडी मसाले के लिए मैंने भिंडी को पहले काट लिया है, उसके बाद उसका मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक मिट्टी के बर्तन में इसको जो मसाले को मैं तैयार करूँगा, मैंने प्याज, गार्लिक, अदरक, तो ये चीज़ें ली हुई है, साथ में मिर्ची मैं यूज़ कर रहा हूँ। साथ में इसमें मैंने जो मसाले यूज़, हल्दी, सेंधा नमक और गर्म मसाला इसमें ऐड करूँगा। और अगर आपके पास पुराना अचार है तो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए, इससे जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा रहेगा जो मसाले का। अभी अब इसको मैं जो लकड़ी के डंडे के सहारे इसको मैं मिक्स करूँगा। तो मिट्टी के बर्तन में क्या होता है कि जो इसका जो फ्लेवर है मसाले का वो बरकरार रहता है, तो जिससे आपकी जो सब्ज़ी का स्वाद है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मसाला मेरा रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, भिंडी जो मैंने काटी हुई है, भिंडी में अभी इसको मैं ऐड करूँगा। अब मैं कढ़ाई को रखूँगा गैस पे और चेक करूँगा कि हमारा जो कढ़ाई है गर्म हुई है या नहीं हुई है। गर्म करने के बाद अब इसमें अभी मैं सरसों का तेल ऐड करूँगा। सरसों का तेल ऐड करने के बाद अभी हम इसमें तेल जैसे गर्म हो गया है तो इसमें हींग का जो पाउडर है वो इसमें डालेंगे। और जैसे ही ये हींग फ्राई हो जाती है तेल में तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। अभी भिंडी हमारी फ्राई हो रही है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे तो आपकी भिंडी जो है फ्राई हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको आप अपना कमेंट वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। दादी मम्मी यम्मी।